वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए देश में लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। ये 18 मई से शुरू हुआ है और 31 मई तक लागू रहेगा। इस बार केंद्र सरकार ने पूरे देश में 5 जोन तय किए हैं। इनमें रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा बफर जोन और कंटेनमेंट जोन को शामिल किया गया है। इन जोन में कहां और कितनी छूट दी जाएगी, इसका फैसला राज्य सरकारें लेंगी। तो क्या है बफर और कंटेनमेंट जोन और किस तरह इन क्षेत्रों को बांटा जाएगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रीन जोन में वो इलाके हैं जहां कोरोना संक्रमण के मामले नहीं है। यहां लगभग सभी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। दुकानें खोलने से लेकर आने जाने तक की छूट दी गई है। हालांकि लोगों को घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। ऑरेंज जोन में उन इलाकों को रखा गया है जहां कोरोना के केस तो सामने आ रहे हैं लेकिन लगातार मरीजों की रिकवरी भी हो रही है। ऐसी जगहों पर भी स्थानीय प्रशासन ने थोड़ी ढील दे रखी है। ऐसे में जरूरी दुकानें खुल सकती है, साथ ही आने जाने की सहूलियत भी दी गई है। रेड जोन में वो इलाके हैं जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यहां पाबंदियां लागू रहेंगी। ऐसी जगहों में रहने वालों को घरों में ही रहना होगा। उन्हें सिर्फ जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की अनुमति होगी। बफर जोन के इलाके रेड और ऑरेंज जोन से ही तय किए जाएंगे। इनमें वो इलाके होंगे जहां अचानक कोरोना इन्फेक्शन के मामले सामने आ जाते हैं। आशंका है कि इन इलाकों में छूट देने से रेड जोन पर खतरा बढ़ सकता है, इसलिए ऐसे इलाकों को अलग जोन में बांट कर नजर रखी जाएगी। रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। वहीं बफर जोन और कंटेनमेंट जोन तय करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है। इन दोनों जोन में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस ही मान्य होंगी। केंद्र सरकार ने रेड व ऑरेंज जोन के भीतर बफर जोन को चिन्हित करने को अहम कदम बताया है। वहीं सभी कंटेनमेंट जोन के आसपास के कुछ इलाकों को भी बफर जोन के रूप में चिन्हित करने के लिए कहा गया है। कंटेनमेंट जोन में ऐसे इलाके हैं जहां कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। ऐसे में इन जगहों पर ज्यादा सतर्कता बरतनी जरूरी है। ऐसे इलाकों में प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रशासन की अनुमति के बिना यहां आने जाने पर मनाही है। कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य सेवाएं ही मिलेंगी। इसके अलावा नई गाइडलाइंस के तहत कंटेनमेंट जोन में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी। इस रिपोर्ट में हमने आपको लॉकडाउन 4.0 में तय किए गए सभी 5 जोन की जानकारी दी, खास तौर पर बफर जोन के बारे में भी बताया। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद भी लॉकडाउन 4.0 को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछें, हम आपको उसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में देंगे। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।